कुश का ये आक्रोश प्रभु श्री राम के लिए आने वाली विपदा का संकेत है। माता सीता लव कुश के इस व्यवहार से पूर्णतया टूट सी गई हैं। और कभी से जाए ना देखी अश्रुपूरित विरह वैदेही। प्रभु परिजन के संगम लाए मन में निश्चय किए कपिराए। अपने प्रभु के परिवार को इस प्रकार बिखरते हुए नहीं देख सकता मैं, मुझे ही कुछ करना होगा। माता, ये प्रभु श्री राम की माला के बिखरे हुए मोती हैं, आप इन्हें सहेज लीजिए। ये मोती नहीं है, अश्रु है, मेरे प्रभु श्री राम के अश्रु, उनकी सीते की अश्रु, दोनों की प्रतीक्षा की अश्रु। माता, इन मोतियों को पिरोना आप ही के हाथों में है और लव कुश ही वो धागा है जो पुनः इस माला को एक सूत्र में पिरो सकते हैं। पुत्री, हनुमान सत्य कह रहे हैं, किसी भी कार्य को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, भाग्य कर्म पर ही आश्रित होता है। अतः कर्म करो, श्री विद्या की उपासना करो। हाँ पुत्री, माता ललिता देवी के सहस्त्र नामों का जप करते हुए व्रत रखकर उनकी पूजा करें, समस्त संसार को अपनी आंचल की ममता भरी छाओं में सहेज कर रखने वाली माता ललिता देवी अवश्य ही प्रभु श्री राम के बिखरे हुए परिवार को सहेज कर पुनः मिला देंगी। प्रणाम महाबली कपिश्रेष्ठ। क्या हुआ, आप पुनः चले आए? पुत्र कुश, माता ललिता देवी का नाम सुनकर मेरे मन में कौतूहल जागृत हो गया, इसलिए मैं चला आया। ऋषिवर, कौन है ये माता ललिता देवी? कपिवर, ये पराशक्ति देवी है आदि जननी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। उन्हीं ललिता देवी की कृपा से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश एवं त्रिदेवियां लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती की भी उत्पत्ति हुई है। समस्त संसार का सृजन उन्हीं की शक्तियों से हुआ है। भंडासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए संसार में माता ललिता देवी प्रत्यक्ष रूप से अवतरित हुई। कामेश्वर अस्त्र से वध किया था उन्होंने भंडासुर का। विनाश, महाविनाश। भंडासुर नाम है सर्वनाश का। महादेव की शक्ति से संपन्न कामेश्वर अस्त्र प्रकट हो। भगवान हैग्रीव ने महर्षि अगस्त्य को बताया था कि कलयुग में माता ललिता देवी का ज्ञान प्रत्यक्ष होगा। उन्होंने कहा था कि जो भी पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करेगा
उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी माता ललिता देवी। उचित है ऋषिवर, मैं अवश्य पूजा करूंगी माता ललिता देवी की। किंतु पुत्री, स्मरण रहे उनकी पूजा श्वेत नवीन कमल पुष्पों के द्वारा ही होनी चाहिए एवं हर अगले दिन कमल पुष्पों की संख्या दुगनी करनी होगी। श्वेत कमल पुष्प किसी विशेष सरोवर में उगते हैं क्या वो पुष्प? हाँ हनुमान, संयोग से वो श्वेत कमल पुष्प प्रभु श्री राम के सरोवर में ही खिलते हैं। अब ये दोनों कहाँ चले गए? इनका आयुध भी नहीं है। किंतु बिना बताए ये दोनों आश्रम से कैसे चले गए? इनके पदचिन्ह तो संकेत दे रहे हैं, कहीं लव कुश अयोध्या की ओर तो नहीं चले गए? तो ये प्रभु श्री राम के सामने जाकर अपना सारा आक्रोश ना व्यक्त करने लग जाए। माता, ऐसा कुछ नहीं होगा। कहां गए लव कुश? कमल उद्यान की ओर जा रहे हैं दोनों, अर्थात देवी ललिता की पूजा की बात इन्होंने भी सुन ली, इसीलिए ये कमल पुष्प लेने जा रहे हैं। किंतु इन्होंने पूरी बात तो नहीं सुन ली। कहीं इन्हें ज्ञात तो नहीं हो गया कि इनकी माता ही माता सीता है? नहीं नहीं, यदि ऐसा होता तो ये उद्यान के स्थान पर सीधा राजभवन में जा पहुंचते। अरे, ये अकस्मात ही दोनों कहां लुप्त हो गए? ये कैसी ध्वनि है? अच्छा, प्रभु श्री राम के पुत्र, कल अयोध्या ने तुम दोनों की भक्ति देखी थी, आज कदाचित तुम दोनों अपनी शक्ति से भी परिचित कराना चाहते हो अयोध्या को। अकस्मात किसने आक्रमण किया हम पर? सावधान मधुमक्खियां, सैनिकों बचाओ अपने, रक्षा करो अपनी। मधुमक्खियां हमारी ओर आ रही है, भागो, अपने प्राण बचाओ, भागो, रक्षा करो अपने। पहरेदारों रक्षा करो अपने। ये कौन आ रहा है?
अचूक लक्ष्य भेदन, त्वरित गति और दृढ़ इच्छा शक्ति, इन्हें तो यहाँ से सुरक्षित निकलने के लिए मेरी या अन्य किसी और की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है। अब मार्ग में कोई बाधा नहीं है कुश। हाँ, अब शीघ्र ही पुष्प ले लेते हैं, चलो। यहाँ से बिना अनुमति कुछ भी लेना कठिन है बालको। इस कमल उद्यान का प्रमुख रक्षक हूँ मैं बलधर, और मेरी सहमति के बिना यहाँ पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता। ओहो, यहाँ ये बलधर और वहाँ लक्ष्मण भैया और भरत भैया। यदि इन्हें भनक भी मिल गई कि क्या हो रहा है यहाँ, तो ये स्थिति दुरूह हो जाएगी। मुझे ही स्थिति को संभालने के लिए कुछ तो करना होगा। ये तो अनर्थ कर दिया लवकुश ने अपने बालपन में। ये तो उद्यान के रक्षक बलधर का स्वर है। जिसका भय था वही हुआ। हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न करने का प्रयास मत कीजिए। श्री राम का कोई भी सैनिक हम पर विजय नहीं पा सकता, क्योंकि माता सीता के अन्यायपूर्ण त्याग के पश्चात वो श्री राम ही नहीं, सारी अयोध्या तेजहीन हो चुकी है। हाँ, श्रीहीन हो चुकी है, विजयहीन हो चुकी है। उपद्रवी बालको, अभी बताता हूँ कौन तेजहीन हुआ है। इतने तीव्र बाण प्रहार किसके मध्य युद्ध होने लगा है? इन बालकों ने तो विकट स्थिति उत्पन्न कर दी है। अब मैं कैसे रोकूं लक्ष्मण भैया और भरत भैया को? इसी ओर आ रहे हैं वे, और लक्ष्मण भैया का क्रोध भी तो अनियंत्रित हो जाता है। ये क्या किया तुमने दुष्ट बालको? मुझसे परिहास करने का कठोर दंड मिलेगा तुम्हें। दुष्ट बालको, रुक जाओ। कहीं ये इन्हें लवकुश के बारे में ना बता दे। बलधर, किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? सखा, क्षमा करना बलधर, ऐसा करना आवश्यक था। हनुमान, ये हनुमान क्या कर रहे हैं? किंतु ये बाण हनुमान के नहीं, कोई शत्रु है निकट ही कहीं, जो बहुत तेज एवं चालाक है। लव, वो रहा कमल पुष्प। सरोवर में कुश, कोई है? कहीं लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया लवकुश को देख न ले।
मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। सखा, अभी तो नहीं देख पाए ये लवकुश को, अब क्या करूं? अब क्या करूं? ये तो और ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। मैं जितना इन्हें एक दूसरे से दूर करने का प्रयास कर रहा हूं, ये उतना ही एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। अब क्या करूं मैं? कैसे रोकूं इन्हें? इनकी मुठभेड़ हुई तो अनर्थ हो जाएगा। यदि इस वाष्प के कारण लवकुश भैया लक्ष्मण और भैया भरत के निकट पहुंच गए और उन्होंने इन दोनों को देख लिया तो बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। जिसका भय था वही हो रहा है, ये तो एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित मेरी चिंता का कारण दूर हो गया। भारत भैया, ये ध्वनि प्रतीत होता है यहाँ पर कोई है। हनुमान जी, आप यहाँ? हाँ लक्ष्मण भैया, यहाँ तो कोई और नहीं दिखाई दे रहा है। प्रतीत होता है वो जो भी थे इस वाष्प की आड़ में यहाँ से निकल गए। किंतु वो यहाँ आए क्यों थे? क्या चाहिए था उन्हें? राधा लक्ष्मण, वहां देखो, सरोवर के कमल पुष्प वहां पर नहीं है, उन्हें तोड़कर ले गए वो। तो मात्र इन पुष्पों के लिए उन्होंने इतना साहस किया? अब चले भीतर। हाँ लव, चलो। माता ललिता, मेरी चिंता दूर करने की कृपा कीजिए माँ। सकुशल लौट आए मेरे लवकुश। माता पूजा की तैयारी कर रही है, उन्हें उचित समय पर जाकर चकित करेंगे हम। बड़ा आनंद आएगा। और सब व्यवस्था तो हो चुकी, किंतु श्वेत कमल पुष्प, उनका क्या? स्मरण रहे, उनकी पूजा श्वेत नवीन कमल पुष्पों के द्वारा ही होनी चाहिए। माँ, लवकुश के होते हुए उनकी माँ बिना पुष्पों के पूजा करे, ये कैसे संभव है? ये लीजिए माँ, पूजा के पुष्प। पुत्रों, तुम दोनों मेरे लिए पुष्प लेने गए थे, अर्थात तुम दोनों ने हमारा पूर्ण संवाद भी सुन लिया होगा। भैया, सरोवर के मुख्य रक्षक बलधर के अनुसार उन दोनों बालकों ने बिना अनुमति के यहाँ प्रवेश किया। सरोवर के कुछ पुष्पों के लिए ही सही, किंतु यह अनुचित है, दंडनीय है, अपराध है। इसलिए पुनः वो इतना दुस्साहस करे, इससे से सीखने की होती है। जैसे कच्ची मिट्टी को कुम्हार घड़े का रूप देता है, उसी प्रकार इसी आयु में सीख देकर उन्हें हम उचित आचरण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपराध बड़ा हो या छोटा, दंड तो उन्हें मिलना ही चाहिए, जिससे वो पुनः ऐसा साहस ना कर सके। बलधर जी,
आप सरोवर की सुरक्षा दोगुनी कर दीजिए। यदि वो पुनः वहां आए तो उन्हें अवश्य दंडित कीजिए। जो आज्ञा महाराज। भैया अनुमति हो तो कल सरोवर की सुरक्षा का दायित्व मैं लेता हूं। आज की सफलता के बाद लवकुश अपनी माता की पूजा के लिए पुष्प लेने अवश्य लौटेंगे। यदि लक्ष्मण भैया स्वयं सरोवर की सुरक्षा की व्यवस्था देखेंगे तो मुझे भी भोर से पूर्व स्वयं उपस्थित रहकर लवकुश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। उनका कोई अनिष्ट नहीं होने दूंगा मैं। ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुध जन करिए कथा श्रवण श्री राम। बाल भावना निश्चल और निस्वार्थ होती है। बड़ों का उनकी भावना को समझना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा भूल हो सकती है। ये बाण, अर्थात आज भी उन बालकों ने लौटने का दुस्साहस किया। सैनिकों, उन झाड़ियों के पीछे हैं वो दोनों, उन्हें पकड़ो और यहाँ लेकर आओ। यदि ये दोनों सैनिकों के हाथ लग गए तो अनर्थ हो जाएगा।